रामनगरी अयोध्या का सुरक्षा घेराव सख्त कर दिया गया है और सीसीटीवी से अयोध्या के सभी मार्गों और मंदिरों पर निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम पर हमेशा तैनात सुरक्षा बल हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है। बावजूद इसके कांवड़ यात्रा को लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके दृष्टिगत अयोध्या के आम जनमानस और श्रद्धालुओं में सुरक्षा की भावना जागृत कराने के लिए सीआरपीएफ के साथ पुलिस के अधिकारियों ने अयोध्या की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया है। इतना ही नहीं, अयोध्या में सावन मेले को लेकर के विशेष तैयारियां भी की गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक दो साल कोरोना काल के बाद पड़ रहे कांवड़ यात्रा मेले को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सावन मेले की सुरक्षा को दृष्टि रखते हुए सीआरपीएफ और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत यहाँ पे फ्लैग मार्च किया गया, ताकि लोगों में सुरक्षा का एहसास हो, उनको लगे कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है और उनके साथ है। साथ ही साथ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो भी सुविधा हमारे द्वारा दी जा सकती है उसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज यातायात व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने एक अभियान चलाया हुआ है कि जिन ऑटो रिक्शा, टेम्पो और ई रिक्शा के पास डीएल है नहीं है, उनको हम लोग यहाँ पे चलने नहीं दे रहे हैं। जिनके पास डीएल है वही वैधानिक रूप से गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस है, इसलिए उन्हीं को आने की अनुमति है। पीके सोनी की रिपोर्ट।